राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा कम तेल में बन जाने वाला बिल्कुल चटपटा टेस्टी और आसान से नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने वाले हैं। तो चलिए सारे इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लेंगे, उसमें जीरा, मिर्च और थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास इसमें हम कुटी हुई साबुत धनिया कूट करके डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। साथ में 2 आलुओं को इस तरह से रफली मैंने हाथों से फोड़ते हुए डाल दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आलुओं को कद्दूकस करके या बिल्कुल मैश करके भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपस में आलू में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें चाट मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, और साथ में इसमें 6 से 7 सूखे हुए कड़ी पत्ते मैं यहाँ पर मैश करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश वाले हैं तो तड़के में ही काट करके डाल दीजिएगा। साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर एक बार इस सभी चीज़ों को चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। इससे क्या होता है कि मसाले भी भुन जाते हैं और साथ में आलू भी हल्का सा भुन जाता है। 1/2 नींबू का रस अच्छे से निचोड़ करके डाल देंगे, और उसके बाद से मैशर की हेल्प से अच्छे से सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारा चटपटा सा आलू का फिलिंग बन करके तैयार हो गया। अब इसे प्लेट में निकाल करके रख देंगे साइड में थोड़ा सा ठंडा हो जाने के लिए। तब तक हमें चाहिए गुथा हुआ आटा। नॉर्मली अगर आप चाहें तो आटे को गूंथ करके ले सकते हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से। यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा आटा मेरे पास बच गया था तो वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा सरफेस पे आटा डालते हुए आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे, और उसके बाद से इसकी एक लोई ले लेंगे। थोड़ी सी नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं हम, उससे थोड़ी सी बड़ी ही लोई लेंगे। इस पर आटा लगाते हुए इसे अच्छे से बिल्कुल बेल लेंगे, जैसे बड़ी सी रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से। रोटी की नॉर्मल साइज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, मीडियम थिकनेस के साथ हम रखेंगे। देख सकते हो आप लोग, एकदम बड़ी से मैंने रोटी बेल करके तैयार कर ली है। सेम प्रोसेस के साथ मैंने यहाँ पर सारी रोटियों को बेल करके रेडी कर लिया हुआ है, और सेम साइज़ के ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे या बड़े मत रखिएगा। मोटाई आप सभी देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसके बाद से हमें सरफेस पर क्या करना है, जो हमने बड़ी सी एक रोटी बेली उसी पर आलू की स्टफिंग को हम इस तरह से फैला देंगे, और अच्छे से स्पून या फोक की हेल्प से, या फिर आप चाहो तो अपने हाथों की हेल्प से भी अच्छे से इसे चारों तरफ बिल्कुल फैला देंगे। अगर आप चाहें तो नॉर्मली जो रोटी का सरफेस हमने आलू की स्टफिंग लगाई थी उसमें दूसरे वाली रोटी पर आप एक लेयर पे टमाटो सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, बिना किसी चीज़ के, बस फिलिंग बिल्कुल आसान से हमने बनाई। उसी के साथ बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी सा हम बना लेंगे अपना नाश्ता। इसके लिए उसके बाद हमें क्या करना है, फिलिंग लगाने के बाद दूसरी वाली रोटी इस तरह से ऊपर रखने के बाद हल्का सा हाथों से दबा देंगे, और किनारों को इस तरह से बराबर शेप में कट करते हुए, बीच का शेप हमने बराबर दिया हुआ है इसलिए साइड्स को हम थोड़ा सा किनारों से कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, मैंने साइड को इस तरह से कट कर लिया हुआ है। अब इस साइड को शेप देने के लिए मैं यहाँ पर सोचा कि क्या सिर्फ दूँ, तो मैंने बस इसे इस तरह से हल्का सा रोल किया, और रोल करने के बाद आप सभी देख सकते हो कितना ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। इस तरह से रोल करने के बाद काफ़ी मोटा था, तो इस तरह से मैंने हाथों से दबा दिया और ये चपटा हो गया, और इस तरह से ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और अच्छे से बिल्कुल ये बन करके खूबसूरत सा डिज़ाइन भी तैयार हो गया। अब इसी तरीके से मैंने जो दूसरे वाले साइड का कॉर्नर था उसे भी मैं इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर रही हूँ, और फोल्ड करने के बाद किनारों को इस तरह से हल्का सा इसमें दबा दूँगी जिससे कि आपस में लॉक हो जाए, और फिर इस तरह से हाथ को चपटा कर दूँगी, और इस तरह से ये बन करके तैयार हो गए हैं। और इसी तरीके से साइड के जो किनारे हैं उन्हें भी मैं सेम प्रोसेस के साथ बस इसी तरीके से बना लेती हूँ, जिससे कि देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे और बहुत ही आसानी से बन भी जाएंगे। आप चाहें तो सेम डिज़ाइन सारे के सारे बना करके रेडी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बस किनारों को जब भी आप बनाते हो, कट करके निकालते हो, तो इस तरह से ईजिली आप सिंपल सा एक डिज़ाइन बना सकते हो। इसके बाद से चाकू की हेल्प से हम इसे लगभग 1-1 इंच की दूरी पर यहाँ पर कट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ाई मत रखिएगा, 1-1 से 1.5 इंच की चौड़ाई इसकी काफ़ी रहेगी। इसके बाद से इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ लंबे लंबे पीसेस में। इसके बाद से एक साइड को उठा करके मैं आप सभी को दिखा सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट हमारी फिलिंग लगी हुई। अब इसी तरीके से सभी को हम एक साइड में रख देते हैं। इसके बाद से हम एक बाउल में लेंगे गेहूँ का आटा, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई साबुत धनिया, ऑप्शनल है तो ज़रूर से डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में मैं यहाँ पर 2 चुटकी चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल, और साथ में ही 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसके साथ में 1 चुटकी नमक डालेंगे, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक मोटा सा घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि घोल पतला हो जाएगा तो लेयर पे हमारे जो है नाश्ते पे अच्छी सी कोटिंग नहीं होगी। और थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालिएगा, एक साथ बहुत सारा पानी डालने पे इसमें गुठलियाँ और गांठे पड़ जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कीजिएगा। इस तरीके से हमारा मोटा सा घोल बन करके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने नाश्ते को लेना है इस तरह से, और इस तरह से इसमें अच्छे से बिल्कुल डिप करके दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेना है।
इसके बाद से चलिए हम इसे लेकर के चलते हैं अपने गैस की तरफ। इसमें मैंने कढ़ाई को ऑलरेडी तेल रख करके गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बिल्कुल गर्म हो गया है। अब इसी तरीके से हम बाकी के जो नाश्ते हैं उन्हें भी अच्छे से बिल्कुल कोट करते हुए आटे के घोल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालते जाएंगे और बस इसी तरीके से इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि आपका तेल अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म होना चाहिए। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो आटे की सलरी हमने बनाई हुई है वो तेल में बिल्कुल फैलने लगेगी। और इसमें सभी नाश्तों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर ज़रूर से रखिएगा, वरना जो नाश्ते हैं वो आपस में बिल्कुल चिपक जाएंगे, फिर आपको पकाने में इन्हें उलट-पुलट करने में काफ़ी दिक्कत होगी। थोड़ी देर के बाद आप सभी देख सकते हो मैंने धीरे धीरे इन्हें नाश्तों को पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया हुआ है और इन्हें सेकते हुए हमें लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे और बिल्कुल अच्छे से ये पक जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इस तरीके से इन नाश्तों को मैंने हल्का सा किनारे करते हुए सारा जो इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे और निकाल करके सारे नाश्तों को हम निकाल देंगे और इस तरीके से चटपटा और कुरकुरा सा बिल्कुल हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। कम मेहनत भी लगेगा और कभी भी घर में अगर अचानक से फ्रेंड्स आ जाएँ या फिर मेहमान आ जाएँ तो आप उन्हें गेहूं के आटे से कुछ कुरकुरा और चटपटा सा बना करके खिला सकते हो। तो इस तरह से ये वाले सारे नाश्ते मैंने अच्छे से पका लिए थे और फिर साइड में सारे के सारे निकाल दे रही हूँ। अब हमने जो साइड कॉर्नर वालों को बनाया हुआ था उन्हें भी इसी तरह से गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए बस इन्हें इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट तक दूसरी तरफ से यानी कि नीचे की तरफ से सेकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़े से मोटे मोटे हैं तो इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें 2-2 मिनट के लिए दूसरी दोनों तरफ से सेकने के लिए छोड़ देना है। इस तरह से जब मीडियम टू लो फ्लेम पर ये धीरे धीरे पकेंगे तो बिल्कुल अंदर तक पक जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब इन वाले साइड्स को कॉर्नर को बनाइएगा आप तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक पकाएगा ताकि ये अच्छे से अंदर तक बिल्कुल पक जाए। इस तरह से इन्हें अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे और लीजिए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल चटपटा टेस्टी सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया। देखने में आप सभी देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, उसकी सारी लेयर्स काफ़ी खूबसूरती से निकल करके आई हुई हैं। इन्हें तोड़ करके मैं भी दिखा सकती हूँ कि देखो अब अंदर की कितनी ज़्यादा सुंदर सी स्टफिंग लग रही है और कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हुए हैं। कोई कहेगा नहीं कि आपने इसे गेहूँ के आटे से बनाया हुआ, बिल्कुल कुरकुरी रहती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक ये इसी तरीके से कुरकुरी बनी रहती है। आप बच्चों को इन्हें टिफिन बॉक्स में भी बना करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स चलिए कुछ हेल्दी और टेस्टी बना करके अपनी फैमिली को भी खिलाइए और आप भी खाइए और इस तरीके से चटपटा टेस्टी सा नाश्ता हमारा आज का बनकर तैयार हो गया। कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी मुझे जाते कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय।